व्यूअर्स, क्या हाल है भाई? क्या मुंबई की टीम लखनऊ की पार्टी खराब करेगी? लखनऊ का क्या प्लेऑफ में जाना तय है? मुंबई एक बहुत बड़ी हर्डल है लखनऊ के लिए। कौन सी टीम जीतेगी? क्या मुंबई वापसी करेगी? मुंबई भी अपना पिछला मुकाबला हार के आई है, लखनऊ की टीम अपना पिछला मुकाबला 7 विकेट से राजस्थान के खिलाफ हार के आई थी। वही मुंबई इंडियंस की टीम 10 रन से मुकाबला हारी थी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। तो दोनों ही टीमों का मोमेंटम तो थोड़ा बहुत गड़बड़ाया है, बट दोनों ही टीमों ने अच्छी फाइट की थी और यहाँ पे राजस्थान का डोमिनेशन देखने को मिला था। तो लखनऊ क्या अपने घर पे मुंबई की टीम को धराशाही कर पाएगी? ये मुकाबला अभी आपका 48 और इस ये जो मैच है आपका भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि आपका बैटिंग ट्रैक है फुली, और यहाँ पे आपको कमाल के मुकाबले देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में तो बैटिंग आसान है ही, सेकंड मैच में और भी हो जाएगी, और यहाँ पे आपको कंफर्टेबल और एक शानदार क्रिकेट देखने को मिलने वाली है। लखनऊ की टीम इस वक्त 5वें नंबर पे है और मुंबई इंडियंस की टीम इस वक्त 8वें नंबर पे है। मुंबई की टीम का प्लेऑफ में जाना लगभग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है उनके प्लेऑफ में जाने की, बट यहाँ पे लखनऊ की टीम के पास चांस है प्लेऑफ में जाने के, बशर्ते उनको मुंबई की टीम को यहाँ हराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे मुंबई और लखनऊ के बीच में, तो उनके बीच में 4 मुकाबले हुए जिसमें से 3 लखनऊ ने जीते हैं और एकमात्र मुकाबला मुंबई ने जीता है। तो भाई यहाँ पर लखनऊ का पलड़ा भारी है और यहाँ पे थोड़े से और स्टैट्स जान लेते हैं। लखनऊ ने मुंबई के खिलाफ जितने भी मुकाबले जीते हैं ना, वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, यानी कि जो 3 मुकाबले जीते हैं वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, जिससे मुंबई की टीम पर दबाव बनता है और यहाँ पे चेंज करना बहुत मुश्किल है लखनऊ के सामने। इस ग्राउंड का जो हाईएस्ट टोटल है लखनऊ का वो 199 है और जो लोएस्ट है वो 101 है। वहीं अगर आप मुंबई को देखोगे तो उनका यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 182 है और लोएस्ट 132 है। और यहाँ पर आपका मैं स्कोर जानते दोनों ही टीमों का, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है और करेंगे फिर प्रिडिक्शन कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन से खिलाड़ी यहाँ पर तबाही मचाएंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन करेंगे, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, निहाल वधेरा, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, जिरांड कोइजी, जसप्रीत बुमराह, नुवान तुषारा, और जिनके इम्पैक्ट प्लेयर हैं वह सूर्य कुमार यादव होंगे। वहीं आप लखनऊ की टीम का देखोगे तो वहीं इनके जो ओपनर होंगे वो क्विंटन डेकॉक और केएल राहुल होंगे। 3रे नंबर पर आपके मार्कस टोनिस, देन दीपक हुडा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कर्नल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर, और जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे इनके मयंक यादव होने वाले मेरे हिसाब से। अब जानते हैं सीधा कौन से खिलाड़ी जो कि अच्छा गेम दिखा सकते हैं। अगर आप लखनऊ की टीम से देखें तो केएल राहुल और दूसरे आपके दीपक हुडा अच्छा कर सकते हैं। भाई इनकी गेंदबाजी में आप जाओगे तो भाई इनके जो यश ठाकुर है वो काफ़ी अच्छे गेंदबाज और विकेट निकाल सकते हैं। अगर मयंक यादव खेलते हैं तो वो भाई इम्पैक्ट प्लेयर की श्रेणी में, यानी कि वो अच्छे गेम दिखाएंगे। वहीं आप जाओगे देखोगे कि मुंबई इंडियंस की टीम के कौन से खिलाड़ी जो कि अच्छा खेल सकते हैं, तो भाई इनके जो ओपनर है उसमें से कोई बड़े स्ट्राइक करेगा, यानी कि ईशान किशन कर सकते हैं, और फिर तिलक वर्मा पर आप भरोसा दिखाइए जो कि अच्छी गेम दिखाएंगे। वहीं इनकी गेंदबाजी में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह है वो काफ़ी बेहतर गेम यहाँ दिखा सकते हैं। केएल राहुल बहुत अच्छी गेम दिखाते हैं हमेशा मुंबई के खिलाफ, तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं उनके, सेंचुरीज भी काफ़ी सारे लगाए। अगर मैं विन की बात करूं भाई, इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत रही है। आप बताइए इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत रही है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर वीडियो आई हो पसंद तो भाई कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।